सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो प्रोफेसर्स हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से कल भूमि पूजन होगा। हमारे साथ जगत गुरु वेदांती जी महाराज हैं जो बता रहे हैं कि राम का चरित्र क्या है, जो तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस में है। और साथ ही साथ अब हमारे साथ दलेर मेहंदी जी जुड़ गए हैं। दलेर मेहंदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हमने सुना कि आपने कितना सुंदर, कितना अद्भुत और कानों को कर्णप्रिय लगने वाला, मन को सुकून देने वाला राम धुन, राम भजन गाया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए यही भजन इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए। राम राम बोल राम राम के लिए जी ठीक। मैं भी मेरे राम से शुरू करता हूँ। और आज बहुत बहुत ही खुशियों का ये महीना है और बहुत बहुत ही मन को खुशी है। आप मेरे चेहरे से देख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरे दादाजी से, दादी जी से, पिताजी से, माताजी से और बड़े बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे थे कि राम जी की जगह है लेकिन वहाँ पे भी मंदिर नहीं है। और वो भी इस बात को बहुत बहुत उनके मन में था कि कब बनेगा, कैसा होगा मंदिर, कैसा देखा जाएगा। और पीढ़ियों से लोग बातें कर रहे हैं और मैं आज लकी हूँ कि मैं उसका पार्ट हूँ। और पूरा हिंदुस्तान और पूरे यूनिवर्स में जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, जो देख रहे हैं, वो सारे बहुत ही धन्य हैं, लकी हैं, क्योंकि भगवान राम एक ऐसा नाम है कि जिसको जितना भी जपा जाए वो कम है। और आज बहुत बड़ी खुशी के दिन है और हम सब इस चीज़ को देख रहे हैं। और मैंने बहुत साल पहले मेरे राम भी मैंने गाया था और मैं अब आप सबके सामने गाना चाहता हूँ। अब न भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाई। मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे 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 राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम काटो जम की फांसी, राम को नाम जपो दिन राती। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम
राम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के राम, पूरे विश्व के कण कण में बसने वाले राम, मेरे राम। बहुत ही सुंदर ये भजन आपने सुनाया। और वेदांती जी महाराज, जब हम ये कहते हैं कि अभी दिलेर मेहंदी जी मेरे राम करके इतना सुंदर भजन सुना रहे थे, हम जब भी राम की बात करते हैं तो क्योंकि हम अयोध्या नगरी में ये प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, तो श्री राम लला का जब वो इस धरती पर अवतरित हुए, हम जन्म क्या बोले, वो तो उन्होंने अवतार लिया, जब वो अवतरित हुए तो वो क्षण किस तरीके का था, अयोध्या नगरी का तब स्वरूप क्या था, आप चौपाइयों में छंदों में गाकर सुनाएं। वस्तुतः ये हमने जो पहले एक विषय शुरू किया था उसी से रिलेटेड संबंधित है। अच्छा, एक इसमें ही है रामचरितमानस में कि नौमी तिथि है ना, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा, तो सुख ज्योत का छुके काले चल गए यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। वस्तुतः परमात्मा का जन्म नहीं होता है, परमात्मा प्रकट होता है। प्रकट वह वस्तु होती है जो वहीं पर विद्यमान है, बस उसके सामने कुछ आवरण है। परमात्मा को, राम को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अपने अंतःकरण में जो छुपा हुआ प्रेम है वो प्रेम ही राम स्वरूप है। इसलिए कहा गया है, भगवान शंकर जी स्पष्ट कहते हैं कि उन राम को खोजने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग में सब रहते बेरा भागी प्रेम ते प्रभु प्रगट जी आगी। जैसे बादलों के हट जाने के बाद में आकाश में छुपे हुए सूर्य प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह से माया का आवरण जो ही हटता है, बिल्कुल भगवान प्रकट हो जाते हैं। और हमने तभी ये कहा, हम लगातार रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहों को हमारे साथ महाराज वेदांती जी हैं, वो सुना रहे हैं, उसका अर्थ समझा रहे हैं। इस अर्थ को ही समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ दिलेर मेहंदी जी भी जुड़े हुए हैं, हम सभी से बारी बारी से भजन भी सुनेंगे और पूजा का विधि विधान क्या है वो भी प्रोफेसर से समझेंगे। प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है, और शायद ये प्रभु राम की ही कृपा है कि इतनी तेज धूप में भी हम यहाँ पर मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बैठे हुए हैं। दिलेर मेहंदी जी, बहुत ही कम समय अब हमारे पास है, क्या संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहेंगे, ये राम मंदिर आपके लिए क्या है? राम मंदिर मेरे लिए, आप कहें कि मुझे लगता है कि मेरा जो ये जो जीवन है, ये मेरा पूरा जीवन जो आने का तात्पर्य है वो सफल हो गया। राम मंदिर होने से मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया है। इससे बड़ी जिंदगी में खुशी नहीं मिल सकती, इससे अच्छी खुशी नहीं हो सकती। जीवन में सब कुछ मिल गया जब भगवान राम का मंदिर बन गया। जीवन में सब कुछ मिल गया अगर भगवान राम का मंदिर बन गया, बहुत ही सुंदर बात कही दिलेर मेहंदी जी ने। हमारे पास आज के लिए समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद दिलेर जी आपका भी, और आप लोग हमारे साथ जुड़े। ये पूजा की विधि कैसे होगी, कैसे कल भूमि पूजन होगा वो आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। यही एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और ब्रेक के उस पार स्वामी रामदेव आपको बताएंगे रामचरितमानस अपनी जुबानी।